सुदामा के जैसा दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण इस सौराष्ट्र में नहीं था, परंतु जैसे ही द्वारकाधीश की उन पर कृपा पड़ी, त्यों ही भगवान ने उनके सारे दुख हरण कर लिए। सुदामा के माथे पर भगवान ने तिलक लगाया और तिलक लगाते हुए मानो उन्होंने अपने हाथों से उनके दरिद्रता का नाश कर दिया और वही सुदामा बहुत बड़ा धनवान बन गया भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करके। ये मित्र की प्रतिकाष्ठा ही तो थी जो भगवान को उनके सामने आना ही पड़ा। और भगवान जब प्रेम करते हैं आपसे, जब भगवान जब अनुग्रह करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपके घर ही भगवान आए। कोई न कोई ऐसा साधन बना देते हैं भगवान कि आप भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं। कोई एक ऐसा पुरुष, कोई एक ऐसा नारी भी आपके भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। आज बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ परिवर्तन की जो इस जून महीने में होने वाली है आपके वृषभ राशि के अनुसार। आप इसे देखिएगा, वृषभ राशि में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो अपने इस घटनाक्रम जो अभी की स्थिति में बनी हुई है उसको ये परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रारंभ करते हैं ग्रहों के जो सेनानायक हैं मंगलदेव। यही मंगलदेव आपके जो कि ये कि कौन से भाव के मालिक हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और साथ में ये आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। इन्हें सेनानायक की पद भी प्राप्त है। अब यही इनका ट्रांजिट है पूरे जून भर। ये आपके जीवन में आपके साहस और पराक्रम के भाव पर रहेंगे। माना जाता है कि मंगल जब भी साहस भाव पर जाते हैं तो ये उनका स्वयं का घर हो गया। मंगल का ये स्वयं का घर है। अब जब मैं अपने घर पे हूँ, आप यदि अपने घर पर ही हैं तो आप विचार कर सकते हैं अपने घर को आप कभी भी बिगाड़ेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से मंगल इस भाव के कारक हैं। भले इस भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं, परंतु आपके अंदर एक साहस लेकर के आए हैं इस जून महीने में। पूरे जून महीने भर रहेंगे, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा स्रोत आपके अंदर, आपके हृदय में विद्यमान होगा, आपके बाहुबल में होगा, जो आपको संपन्नता की ओर आगे अग्रसर करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और इस प्रेरणा में जो आपके सहयोगी बनेंगे वो आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके जो सखा हैं, ये सब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे भाव पर जब होता है ये हमारे मित्रों का और साथ में हमारे भाई बहनों का होता है, तो इसलिए उनका साथ कभी मत छोड़िए। माना जाता है कि जब यहाँ पर मंगल हो तो भाइयों के साथ के द्वारा हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है और हमें सफलता भी मिलती है। या भाई नहीं है तो कोई ऐसे मित्र तो जरूर होंगे जिन मित्रों का आश्रय लेकर के आप सफल हो सकते हैं। रावण के पास क्या था? भाई का साथ नहीं था, बाकी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ गंवा दिया। आपके पास वही भाई है और उस भाई का साथ लीजिए अपने। और आपके पास यदि कोई नहीं है तो आपका साहस, आपका हिम्मत ही आपका भाई है, क्योंकि मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह अभी इस जून महीने में आपके तीसरे घर पर गोचर कर रहा है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो ग्रहों के शासक हैं। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और इन सभी 9 ग्रहों में जो केंद्र बिंदु हैं वही तो सूर्य नारायण है और यही सूर्य भगवान आपके जीवन में गोचर कर रहे हैं। 15 जून तक कहाँ रहेंगे सूर्य? तो 15 जून तक ये रहेंगे आपके लगन में। लगन वो स्थान हो गया भाई, मैं स्वयं लगन हूँ। लगन मतलब मेरा शरीर, आपका शरीर। तो वृषभ जात, वृषभ जो राशि है ये अपने आप में तो एक ऐसी स्थिर राशि है। एक बार जिसके लिए अच्छा सोच लिया उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और एक बार यदि किसी के लिए इनका मन बिफर गया तो लाख कोई प्रयास कर ले उस पर फिर अपना मुहर नहीं लगा सकता। ऐसे होते हैं वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि एक बहुत अटल विश्वास का प्रतीक होता है। जिस पर आस्था कर लिए, जिस पर विश्वास कर लिए, उस पर अपना जान न्यौछावर कर दिए और जो इनके मन से उतर गया मानो इसके जीवन से वो उतर गया। और यही स्थिति यहाँ पर सूर्य जैसे एक पराक्रमी शासक की स्थिति आपके लगन पर बनी हुई है। जब लगन पर सूर्य आते हैं तो आपके तेजस्वी स्वरूप, आप क्योंकि मुख आकृति है आपकी, यही क्योंकि मुख माना गया है, मुख आकृति पर ही आपके सूर्य आए हुए हैं। हमारे मन मस्तिष्क पर सूर्य आए हुए हैं। यही हमारा मस्तिष्क भी है, यही हमारी मुख है और यही हमारा शरीर है। सूर्य जैसा ग्रह जब आ जाए तो रोग इस समय पर ठहर नहीं पाते।
आप देखेंगे यदि कोई समस्या शारीरिक समस्या पहले से बनी हुई है तो उसमें कमी की स्थिति दिखेगी इस जून महीने में, और यदि अभी इस महीने कोई विशेष प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है, सूर्य नारायण वैसे आपके लगन में बैठे हैं, सूर्य तेजस्वी तो बनाएंगे ही, साथ में यहाँ पर जो वृषभ राशि पर सूर्य का गोचर होता है अपने शत्रु के राशि पर गोचर होता है ये मत भूलिएगा, परंतु फिर भी सूर्य यहाँ पर आपको तेजस्विता और अच्छा आपको शुभ फल यहाँ पर प्रदान जरूर करेंगे। अब यही 15 जून का समय जैसे ही समाप्त होगा, ध्यान से समझिएगा, 15 जून का समय जैसे ही समाप्त होगा, 15 जून से अगला जो डेट आएगा पूरे 30 जून तक का जो समय होगा, इस दरमियान क्योंकि हालांकि तो 15 जुलाई तक रहेंगे लेकिन चूंकि ये जून का राशिफल है तो 15 जून तक से लेकर के 30 जून तक आपके ये धन भाव पर आ जाएंगे। सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह यदि धन भाव पर आ जाए, और वो भी मित्र की राशि पर, बुध की राशि है ये मिथुन, और मित्र की राशि पर आप यदि किसी मित्र के घर चले जाएं, आपके परम मित्र हों, और तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अपने मित्र के घर आया हूँ और मैं इस उसके घर को अच्छा बनाऊँगा, मैं स्वयं प्रसन्न हूँ और उसको ही प्रसन्नता दूंगा। माना जाता है एक स्वस्थ प्रसन्नता जिसके हृदय में है, जिसके मन में प्रसन्नता बनी हुई है, वो अपने जहाँ पर मौजूद होगा उस भाव को प्रसन्न करेगा, अर्थात जब सूर्य यहाँ पर होगा तो आपके धन भाव की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आर्थिक मामले, आर्थिक दृष्टिकोण से इसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाएगा। वैसे भी ये सूर्य आपके चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और चतुर्थेश का जब 15 जून के बाद आपके धन भाव पर जाते हैं तो प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति का संयोग बनता है। जो लोग प्रॉपर्टी अपना बेचना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा समय मान सकते हैं, उनको धन प्राप्ति का सोर्स बना लिया चतुर्थ भाव। यहाँ पर जो लोग भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि जो खरीदना चाहते हैं उनके खरीदने का योग तो नहीं, परंतु हाँ किसी एग्रीमेंट का योग जरूर बन सकता है। तो यदि आपकी प्लानिंग चल रही है पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉपर्टी सेल करने की या विक्रय करने की, दोनों ही स्थिति में आप इस गोचर का फल अपने जीवन पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आकर के ये आपकी वाणी की भाव है भाई, हमारा जुबान है, हमारी वाणी है, और बुद्ध इस भाव के मालिक हैं, लाइफ टाइम आपके जीवन में बुद्ध इस भाव के स्वामी हैं, और सूर्य यहाँ पर जब उपस्थित हो जाते हैं तो वाणी में मानो एक ऐसा ओज आ गया, क्योंकि सूर्य ओज के कारक हैं, तेज है सूर्य में, देखते हैं ना कितना तेज है सूर्य भगवान, हमको दिखते हैं उनकी ज्वाला है, तो इस प्रकार से हमारी वाणी में भी वो ज्वाला, वो तेज की स्थिति हमको देखने को मिलेगी। सामने वाला हमारी बातों के सामने टिक नहीं पाएगा, अर्थात वो जो सामने वाला है वो हमारी बातों को स्वीकार करेगा, एक वाणी में तेज आ गया, हम जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सूर्य आ गया, राजा है भाई, तो राजा की वाणी कैसी होगी, राजा का तो साम्राज्य है, और वही साम्राज्य इस टाइम पर आपके वाणी, आपके धन भाव पर है, आपको इतना समझना है। 15 जून के बाद जो समय होगा आपके कुटुंब का भाव है, कुटुंब में सूर्य का प्रकाश आना, तो सूर्य हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य एक मरकरी लाइट की भांति है, तो मरकरी लाइट का प्रकाश आपके जीवन में कहाँ जाएगा, धन भाव पर, वाणी भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर। तो कुटुंब में जब सूर्य का गोचर होता है तब कौटुंबिक वातावरण अच्छा होता है, ऐसा जातक कई सोर्स के द्वारा धन की प्राप्ति करता है, अपने कुटुंब में अपने कुटुंबजनों के द्वारा भी इसे धन की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने कौटुंबिक जन को, अपने परिवार में ही किसी को पैसे दिए होंगे, तो हो सकता है इस टाइम पर, होता क्या है हम जब अपने परिवार में पैसे दे देते हैं तो समय पर मांगने में बड़ी लज्जा आती है, भाई अपने परिवार में ही कैसे पैसे को मांगा जाए, लेकिन ये सूर्य जब यहाँ होंगे तो अपने आप वहाँ से भी हमें धन प्राप्ति का एक स्रोत बना सकते हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए 15 जून के बाद अधिक अनुकूल होगा ऐसा मानना है, लगन पर अभी है, जब धन भाव पर आएंगे तो अनुकूल होगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो हमारे जीवन में हमारे बौद्धिक क्षमता के जो कारक माने गए हैं, जो बुद्धि और चातुर्यता हमारे अंदर है, इस वृषभ राशि के अंदर है, वो सब कुछ बुध के द्वारा प्रदर्शित है। माना जाता है जिसके कुंडली में, जिसके जीवन में बुध अच्छा हुआ उसका सब कुछ शुद्ध हो जाता है, और खुशी मनाइए कि आपके तो यही बुध आपके धनेश हैं,
अभी तो धन की बात हो रही थी ना, सूर्य का गोचर होगा धन भाव में, लेकिन भाई इस भाव का मालिक कौन है? तो यहाँ तीन नंबर लिखा है, तीन माने होता है मेष, मेष वृष मिथुन। तो मिथुन के स्वामी हो गए हैं बुध, और बुध आपके लाइफ टाइम आपके धन का के जो आपके जो वित्त मंत्री हो गए वही बुध देव हैं। अब ये बुध देव जहाँ जहाँ जाएंगे आपके धन को वहाँ वहाँ ले करके जाएंगे। अभी कहाँ गए हैं इस पर चर्चा करते हैं। 1 जून से लेकर के 6 जून का वो समय होगा जिस टाइम पर आपके बुध कहाँ गए हुए हैं, व्यय भाव पर। तो आप देखिए अब पिछले कुछ समय से ये बुध यहीं पर चल रहे हैं, द्वादश भाव में ही हैं, खर्चों की अधिकता बनी हुई है। प्रयास किया हमने खर्चों को रोकने का, परंतु खर्च हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज ये खर्चा मतलब जो खर्चे हमारे पहले से संभावित नहीं हैं वो खर्चे बने हुए हैं। आज हमने हमारे पास कुछ पैसे हैं परंतु अचानक से कोई काम आ गया और उस पैसे को हमको खर्च ना करना पड़ जाए। ये स्थिति अभी आपको 6 जून तक देखने को मात्र मिलेगी। 1 जून से 6 जून तक कोई बड़ा धन आपका खर्च होने की संभावना है, इसलिए इस टाइम पर धन खर्च करने की संभावना को आप टालिए। हाँ, लेकिन यदि आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, अपने धन को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पर ये बुध आपको यहाँ पर आपको परमिशन देता है कि हाँ भाई, क्योंकि द्वादश भाव आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काहे का हो गया, वो हो गया आपके निवेश का। और अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी वो आपके पारिवारिक जनों के कारण धन का खर्च होना, चिकित्सालय के कारण धन का खर्च होना, ये 2 कारण मुख्य हो गए हैं जो खर्च की स्थिति बनाए थे। लेकिन जैसे ही 7 जून से लेकर के 24 जून का जो समय होगा, यही बुध आपके जीवन पे 1 नंबर को छोड़ देंगे, मतलब यहाँ को छोड़ करके आ गए आपके स्वयं राशि पर, आ गए वृषभ पर आ जाएंगे। मतलब मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पास आ गए। ये पैसा है आपका, इसके मालिक यहाँ गए हैं। ये जब 7 जून का समय आएगा तो ये यहाँ छोड़ करके अपने पास आ गए। तो मतलब मेरा पैसा कहाँ गया, मेरे पैसे मेरे पास आ गए। नोट कर लीजिए आप, 7 जून से 24 जून अच्छा खासा धन प्राप्त करने का एक संकेत आपके लिए देता है। यदि ऑलरेडी पहले से पैसा कहीं फंसा है, पैसे प्राप्ति की संभावना, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसी में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखते हुए यहाँ पर धन की स्थिति को यहाँ पर बुध अच्छा बनाएंगे। मेरा मानना है कि बुध जब यहाँ पर आते हैं धन बढ़ाते हैं, परंतु अभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे यदि, तो इसके बाद यही बुध इसी महीने में 3 बार ये बुध अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। अगला गोचर परिवर्तन करेंगे ठीक 24 जून से। 24 जून से 30 जून का जो समय होगा उस दरमियान ये आपके लगन मतलब आपको छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे, आपके बैंक में चले जाएंगे। यदि किसी कारण से आपने 7 जून से 24 जून तक अपने पैसे को मैनेज कर लिया, तो 24 से 30 जून के मध्य आपका बैंक में वो पैसा जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक भाव हमारा सेकंड भाव है, हमने कहा धन भाव है ये, तो यही हमारे वित्त मंत्री का भाव है। तो भाई वित्त मंत्री जब अपने इसी भाव पर आ जाएंगे, आज यहाँ है व्यय भाव में तो व्यय करा रहे हैं, 6 जून के बाद आपके हाथ में आ जाएंगे और ये आपके बैंक में चले गए, मतलब ये आपका स्टोरेज धन की स्टोरेज को ये बढ़ा देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समय आपके लिए है, वृषभ राशि के लिए है, क्योंकि वित्त मंत्री का सहयोग आपको भरपूर मिलता है। बुध कुमार ग्रह माने गए हैं, इसलिए पैसा हमेशा कुमार होता है, हमेशा नयापन देखेंगे आप पैसे में, और यही स्थिति आपका यहाँ पर बनेगा। अब मरकरी की बात हो गई है, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, वो है जुपिटर, हमारे गुरुदेव, हमारे बृहस्पति देव। और यही जुपिटर आपके जो राशि कुंडली के अनुसार आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, तो बड़ा किसको बना दिए, बड़ा ग्रह है गुरु और आपके द्वादश भाव को बड़ा बना देंगे। तो बड़ा किस चीज़ का हो गया, ये भाव हो गया आपके खर्चों का, खर्चों की अधिकता। ये भाव हो गया आपके जीवन में निवेशों का, तो निवेश की अधिकता ये आप मानेंगे। परंतु आप अब इसके शुभ परिणाम को भी सुनिए। गुरुदेव द्वादश में तो बैठे हैं, परंतु इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके चतुर्थ भाव पर दे रहे हैं,
तो बड़ा अच्छा सुंदर प्रभाव किस भाव को देंगे? आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी की भाव है। ये वो स्थान है जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे पास संपत्तियां हैं, ये सब हमारे गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होना है। गुरु भले ही यहाँ पर हमारे द्वादश में हैं, हम लेकिन एक बात भूलना नहीं है, आपके शत्रु हैं गुरु, आपके राशि के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र और गुरु दोनों आपस में एंटी पार्टी हैं, एक देव गुरु है तो एक दानव गुरु है। तो इसलिए द्वादश में जाना कहीं से नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, उल्टा बल्कि इनकी दृष्टि आपके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी कराएगा, सुखों में बढ़ोतरी कराएगा। यहाँ से गुरुदेव जब सातवीं दृष्टि दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि देंगे आपके छठे भाव पर, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। माना जाता है जब कोई ग्रह हमारे राशि के शत्रु हो, जो गुरु है, और वो 6, 8, 12 में कहीं पर भी बैठे और वहाँ से यदि जहाँ दृष्टि दे उस भाव का वो हनन करता है, तो गुरु यहाँ दे रहे हैं तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का हनन ही तो करेंगे, परंतु फिर भी आपको स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बड़ा लोन या कर्जा से आपको बचना होगा। यदि बहुत आवश्यक है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उस कर्जे को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर गुरु की दृष्टि जब पड़ रही है इस भाव पर, तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक किसी और के सहारे के द्वारा, कोई जो लगता है आपको कि वो आपकी सहयोग कर सकता है, आपके विचार विमर्श के द्वारा आपके निर्णय में वो कुछ ऐड कर सकता है, उसका आपको संग लेना है। गुरु के लिए कहा गया है, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये तो देवताओं के गुरु हैं और सभी प्रकार के हमारे भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। गुरु को भाग्य का कारक माना गया है, इसीलिए जब हम किसी के जीवन में भाग्य का सहारा लेते हैं, जैसे कि आपके जीवन में भाग्य के स्वामी हो गए हैं कौन, तो शनिदेव, लेकिन भाग्य के कारक होते हैं गुरुदेव। तो इसलिए भाग्य का जब भी परीक्षण करें आप, अपने शनि को देखें और साथ में गुरुदेव को देखना मत भूलें। इनकी छठवीं दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर, यदि आपके कैरियर में और नौकरी में भी परेशानी चल रही है तो हो सकता है यहाँ पर आपको अच्छे खासे शुभ परिणाम देखने को मिल जाए। गुरु हमारे शरीर में चर्बी का कारक भी होते हैं हमारे शरीर में, तो इसलिए इस टाइम पर खान पान पर ध्यान देना है। हो सकता है कई ऐसे हैं जिनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब इस गुरु की अग्नि दृष्टि की बात करते हैं, जो नवम दृष्टि है। तो यहाँ पर हो गया 7, 8, 9 नवम दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। कहाँ पर? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव तो भाई पीड़ा का है, लेकिन हमने अभी कहा कोई ग्रह द्वादश भाव से बैठ करके यदि छठे आठवें और बारहवें भाव को स्वयं देखेगा, उसके दोस्त कम हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई पीड़ाओं की बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन को देने वाले यही गुरुदेव हो सकते हैं। अब समझते हैं उस ग्रह को जो हमारे जीवन में कालचक्र के जो स्वामी माने गए हैं, वो ग्रह जो सदैव धीमे गति से चलते हैं, जिनका एक राशि पर गोचर 2.5 साल का होता है, जो दंडनायक हैं, जो कर्मों का विधान अपने हाथ में रखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं शनिदेव की, जिनका गोचर हो चुका है आपके दसम भाव पर। 17 जनवरी को हुआ था, आपको याद होगा, और 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव ने आपके दसम भाव पर गोचर किया था, आपके कर्मों के भाव पर गोचर किया था, कार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत अनुकूल समय प्रारंभ हो गया था। इन शनि का गोचर रहना है तो है 2.5 ईयर्स तक, 2.5 वर्ष तक शनि यहाँ रहेंगे। इस दरमियान आपके जीवन में आपके कर्मों का प्रतिफल जरूर देंगे, परंतु भूलना नहीं है ठीक 17 जनवरी 2023 में ये आए थे, और इस जून में ये ठीक 17 जून को, देखिए कैसा कॉम्बिनेशन मिला है, एक 17 जनवरी को आए थे और 17 जून ठीक 6 महीने बाद ये हो जा रहे हैं वक्री। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने एक घर पीछे का फल देता है, उस हिसाब से ये शनि आपके दसम भाव में बैठे हैं। अब ये वक्री हो जाएंगे तो एक घर पीछे का भी फल देंगे, मतलब 50% आपको दसम भाव का रिजल्ट तो देते ही रहेंगे, साथ में 50% आपके नवम भाव के रिजल्ट भी देंगे। नवम भाव वो भाव हो गया जो आपके भाग्य का भाव है,
यदि आपके मन में ये जिज्ञासा रह गई थी या ये कमी रह गई थी मन में कि मैंने अपने भाग्य उन्नति के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं और मुझे कुछ करना था, तो वो समय आ चुका है। 17 जून से यही शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे लगभग अगस्त महीने तक। इस टाइम पर आपको को क्या मिलेगा इस शनि से? तो शनि आपके योग कारक हैं, आपको भूलना नहीं है। वृषभ के स्वामी शुक्र हो गए और शुक्र के परम मित्र हैं शनिदेव, इसलिए आपको आपके भाग्य को ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। कहाँ चूक हो गई थी हमसे, कहाँ हमें कमी रह गई थी, उस कमी को पूर्ण करने का आपको अवसर देंगे शनिदेव। 50% कर्म का भी फल देंगे, 50% भाग्य का फल भी देंगे। माना जाता है कि एक व्यक्ति को यदि जीवन में उनके भाग्य का साथ भी मिल जाए और साथ में उसका कर्म भी अच्छा हो जाए, उस व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कर्म के देवता शनिदेव, और यहाँ पर भाग्य भाव पर ही वापस आएंगे, और ऊपर से इस भाग्य के कारक तो गुरुदेव है ही हैं, तो इस हिसाब से भी आपके जीवन में भाग्य उन्नति का एक सर्वश्रेष्ठ समय मेरे हिसाब से इससे अच्छा नहीं हो सकता। अभी तक आप कर्म कर रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग सकता है, तो भाग्य का प्रतिफल देने के लिए शनिदेव पीछे आए हैं। हमेशा हम ही किसी के सामने नहीं झुकते, ध्यान रखिएगा, हमारे परमात्मा भी इन ग्रहों के माध्यम से, जब ये इनका गोचर परिवर्तन होता है, इनके राशियों का परिवर्तन होता है, इनके वक्री मार्गी होने का जब समय आता है, तब वो परमात्मा भी हमें एक अपने गलतियों को सुधारने का एक मौका जरूर देते हैं। देखिए कहाँ पर आपसे चूक हो गई थी, और इस शनि के प्रभाव को आप परिपूर्णता से प्राप्त कीजिए। भाग्य का साथ और कर्म का साथ मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक महान पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त महीने तक ये योग रहेगा, इसके लिए हम अलग से बहुत विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे, जिसको आप जरूर देखिएगा। इसी शनि को कैसे प्रभावित किया जा सकता है आपके जीवन में, उस पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जहाँ पर से आपने राहु को देखा। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह जिनका कोई शारीरिक दृष्टिकोण से कोई मान्यता नहीं है, लेकिन राहु और केतु इतना ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे कुंडली में, हमारे पूरे घटना चक्र में, कि मानो उसने आपका जीवन परिवर्तित कर दिया हो। राहु इस समय पर चल रहे हैं आपके द्वादश भाव पर, राहु आपके द्वादश भाव पर हैं और केतु आपके छठवें भाव पर। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, द्वादश भाव आपके खर्चों का। भूलना नहीं है, राहु वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्राचार्य जी, इनके शिष्य हैं राहु, तो अपने शिष्य अपने गुरु के सामने क्या राहु ज़्यादा उद्दंडता कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा, उल्टा, बल्कि आपके जीवन में इस समय पर एक अच्छा खासा कोई निवेश जरूर कराएगा। आप देख लेंगे, जब से ये राहु का गोचर आया है आपके जीवन में, पिछले अक्टूबर से आया है और इस अक्टूबर तक, पिछले काफ़ी समय चल रहा है, इस अक्टूबर तक रहेगा और खासकर जून में तो पूरा रहेगा, इस टाइम पर आपको एक बड़ा निवेश करवाएगा। मान लीजिए हमारे पास उतनी संभावनाएं नहीं हैं, हमारे जेब में उतने पैसे नहीं हैं, उतने हमारे पास संपत्तियां नहीं हैं, तो भी चाहे छोटा सा छोटा ही सही, आपके जीवन में एक निवेश का पार्ट जरूर ऐड करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। जहां जहां गुरु की दृष्टि है वहां वहां राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु, हमने कहा राहु बौछार है, तो आपके जीवन में खर्चों की बौछार भी आएगी, परंतु डरना नहीं है, यही राहु आपके लगने शुक्राचार्य के शिष्य हैं, तो यदि हम अपने गुरु के, यदि हम राहु के गुरु के चरण पकड़ लें, तो इस राहु को तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा, सारा संसार अपने गुरु के समक्ष शिष्य नमाता है। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राज, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जात। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा तो अपरंपार है, और इसी गुरु की प्रधानता को स्वीकार करते हुए राहु भी कोई विपरीत प्रभाव आपके जीवन पे नहीं देगा, ऐसा यहाँ पर राहु ने के प्रभाव को आपने देखना होगा। अब बात करते हैं उस केतु की जो स्वयं आध्यात्म है, किसी से कोई मतलब नहीं इस केतु को,
जहाँ बैठ जाते हैं उस भाव को लेकर के त्याग पैदा कर देते हैं। ब्रह्मचारी हैं, आपके छठे भाव पर बैठे हैं। एक ब्रह्मचारी की संज्ञा हो गई आपके छठे भाव पर, मानो हमने सब मर्यादाओं को छोड़ दिया हो, हमने ब्रह्मचारी ले लिया हो। किस मामले पर? तो छठे भाव पर। छठा भाव कहेगा आपके रोग का, ऋण का, आपके शत्रुओं का। जैसा चल रहा है चलने दो वाली स्थिति इस समय पर केतुदेव यहाँ पर विद्यमान करते हैं। भूलना नहीं है, ये केतुदेव 7 नंबर राशि पर हैं। 7 नंबर वो राशि है जो आपके लग्ने शुक्र की 2 राशियां हैं। आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी हो गए, और शुक्राचार्य के पास 2 राशियां हैं, 1 2 नंबर, 1 7 नंबर। तो वही 7 नंबर राशि पर केतुदेव हैं। तो एक तरफ तो रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि होते आ रही है, लेकिन यहीं पर आपके लगन के राशि पर होने के कारण गुरुदेव का मान रखेंगे और यहाँ पर आपको उन क्षेत्रों से भी आपको तरक्की कैसे नहीं दिलाएंगे। ये 9 ग्रहों का हाल हमने आपके सामने रखा जो इस जून महीने में है। इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक ही पड़ेगा, परंतु इन सबसे ऊपर होते हैं हमारे परमात्मा। लाख हमारे ग्रह गोचर बुरे अवस्था में चल रहे हों, परंतु उनका सानिध्य, उनका साथ जब हमें प्राप्त हो जाता है, तब बड़े से बड़े, बुरे से बुरे हमारे ग्रह गोचर भी हमें शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहिं सब कोई। और ऐसी ही कृपा की बरसात होने वाली है आप पर, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा जाना और हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके प्यार से। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम।